नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आईएनटी हिंदी टेक में। दोस्तों, यदि आप रिलायंस जियो का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा आप लोग सतर्क हो जाइएगा। 84 दिन वाला जो प्लान है वो 72 दिनों में ही समाप्त कर दिया जाता है रिलायंस जियो की तरफ से। आप लोग पहले सुने हैं या फिर नहीं सुने हैं, आपको पहले से पता है या फिर नहीं पता है, आपके साथ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। वो जो हिस्ट्री होता है ना, रिचार्ज हिस्ट्री, वहां पर हम आपको ले जाकर दिखाएंगे और पूरा बताएंगे प्रूफ के साथ कि कैसे 84 दिन वाला प्लान मात्र 72 दिनों में ही रिलायंस जियो की तरफ से समाप्त कर दिया गया है। यहां पर आप सभी को पता होगा कि दिन प्रतिदिन टेलीकॉम कंपनियां जो है प्राइस बढ़ाते जा रही है। पहले वही प्लान 399 रुपये में उपलब्ध करा रही थी, 150 GB पर डे के अनुसार से डेटा, SMS पैक और अनलिमिटेड कॉलिंग। उसके बाद यही पैक की जो कीमत है वो 555 रुपया बढ़ाकर कर दिया गया और अभी रिसेंटली में 1 दिसंबर 2021 से रिलायंस जियो ने उसका 666 रुपया कर दिया है। अब यहाँ पर एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करें तो उनके पास कर्ज ज़्यादा है, इसलिए वो सबसे पहले रिचार्ज प्लान प्राइस को इनक्रीज करती है। लेकिन भाई, रिलायंस जियो से तो ये उम्मीद हम लोग नहीं रखे थे। फिर भी रिलायंस जियो ये कहती है कि और सारे जो रिचार्ज प्लान आपको मिल रहे हैं, चाहे एयरटेल वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करें, इन सभी में जो रिचार्ज प्लान की प्राइस है उससे 20% 10% ऐसे करके मतलब बेनिफिट ही देंगे। कभी पैसे कम रखेंगे तो कभी बेनिफिट ज़्यादा देंगे, तो इस तरह से हम लोगों को बेनिफिट तो मिलता ही है। तो रिलायंस जियो यूजर चलो इससे ही खुश होते हैं, बगल वाले को देखकर कि कैसे एयरटेल ने इतना ज़्यादा पैसे रखे हैं और यहाँ पर जो है बेनिफिट भी कम मिल रहा है। तो हम लोग यही जानकर खुश होते हैं कि भाई बगल में जाना तो कहाँ पर जाना, सबसे सस्ता तो यही है या फिर सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही दे रहा। अब ऐसे में अगर आप 84 दिन के प्लान के साथ रिचार्ज करती हैं और 72 दिनों में ही समाप्त हो जाएगा तो कैसा लगेगा? तो चलिए सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं रिलायंस जियो के कस्टमर केयर को जब हमने कंप्लेन किया इसके बारे में तो उनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आप ये प्रूफ देख लीजिए कि 84 दिन वाला प्लान कैसे मात्र 72 दिनों में ही इन लोगों ने समाप्त कर दिया। तो देखिए दोस्तों, माई जियो एप्लीकेशन पर हम आ चुके हैं और माई जियो एप्लीकेशन में यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है रिचार्ज हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। रिचार्ज हिस्ट्री अभी बता देगा कि हमने कब कब रिचार्ज किया। अभी आप देख पा रहे हैं 555 वाला प्लान एक्टिवेट है जो कि 150 GB पर डे के अनुसार से डेटा मिलता है। यहाँ पर व्यू मोड पर क्लिक करेंगे तो इसका स्टेटस आप देख सकते हैं, एक्टिव बताया गया है। जस्ट हम स्लाइड करेंगे और यहाँ पर देखिए 555 वाला है, इसके व्यू मोड पर क्लिक करते हैं। व्यू मोड पर क्लिक करने के बाद रिवर्स्ड, इसका स्टेटस आप देख सकते हैं, रिवर्स्ड लिख दिया गया है, यानी कि ये वापस कर लिया गया है और ये वापस किया गया है मात्र 72 दिनों में, जो कि 84 दिन का प्लान 555 का था और मात्र 72 दिनों में ही वापस कर लिया गया। इसके साथ ही नीचे वाला प्लान आप देख सकते हैं, व्यू मोड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक्सपायर्ड बताया गया, यानी कि ये प्लान इस्तेमाल कर लिया गया है, एक्सपायर हो चुका है। अब यहाँ पर आप दिन भी काउंट कर सकते हैं। देखिए, ये जो पहले वाला प्लान है वो उसका एंड डेट जो है 18 सितंबर 2021 बताया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो प्लान है ऊपर वाला, इसका जो है प्लान का एंड डेट 28 नवंबर 2021 बताया गया। आप यहीं से जोड़ लीजिए, 28 नवंबर 2021 को ही ये समाप्त हो गया, मात्र 72 दिन ही इस्तेमाल हो पाया। और इसके बाद ये जो ऊपर वाला प्लान है, ये जो कि आप देख सकते हैं रिलायंस जियो की तरफ से एक मिला था, वो आपको पता होगा नेटवर्क इशू को लेकर दिक्कतें हुई थी, इसमें रिलायंस जियो की तरफ से दिया गया था 2 दिनों के लिए। तो यहाँ पर 28 नवंबर को ही यहाँ पर प्लान स्टार्ट कर दिया गया और उसके बाद ये 30 नवंबर तक चला और ऊपर वाला 30 नवंबर से स्टार्ट हो गया। इस प्रकार से प्लान रिवर्स्ड लिखा गया और 72 दिनों में ही प्लान को समाप्त कर दिया गया, कुल बेनिफिट 84 दिन तक नहीं मिला। हालांकि ये जो रिचार्ज है, पेमेंट मोड में आप वाउचर देख सकते हैं, वाउचर से रिचार्ज किया गया था। जो रिलायंस जियो पर आप वाउचर परचेस करते हैं उसी वाउचर को आप रिडीम करते हो तो आपका रिचार्ज होता है, बस वही समझ लीजिए वाउचर से ही यहाँ पर ये चीज़ें की गई थी रिचार्ज, और उसके बाद मात्र 72 दिनों में ही समाप्त कर लिया गया। तो फाइनली आप लोगों ने प्रूफ देख लिया। अब आप सोच में पड़े होंगे कि भाई रिलायंस जियो आखिर 72 दिनों में ही क्यों रिचार्ज प्लान को समाप्त कर दी, क्या वाउचर से रिचार्ज हुआ था इसलिए या फिर ऐसे ही समाप्त कर दी? तो देखिए, वाउचर से हमने दूसरे नंबर पर भी रिचार्ज किया है तो वो तो प्लान 84 दिन तक चला, लेकिन ये 72 दिनों में ही समाप्त कर दिया गया। इसको लेकर जो है रिलायंस जियो को हमने
कंप्लेन किया, 198 पर कॉल करके कंप्लेन किया, तो कंप्लेन उन्होंने दर्ज किया, बोला कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, रिवर्स तो लिखा गया है लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत जल्द या तो आपको उतना बेनिफिट मिलेगा नहीं तो इस पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि आखिर दिक्कत कहाँ पर क्या हुआ। लेकिन कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद भी अभी तक कोई भी सूचना नहीं है, ना तो उनके तरफ से कोई कॉल आया है, ना ही उनके तरफ से कोई एक्स्ट्रा रिचार्ज दिया गया है, जो बाकी बचे दिन था उसके लिए कोई भी रिचार्ज भी नहीं दिया गया। और मैंने उनसे समय भी मांगा कि आप कंप्लेन दर्ज कर रहे हो चलो ठीक है, मुझे एक समय बता दो कि इतने दिन तक आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, मुझे रिचार्ज नहीं दोगे नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं है, भाई ये प्रॉब्लम तो बता दो कि कहाँ पर कैसे हुआ। उनके तरफ से कोई समय नहीं दिया गया, बताया गया कि देखो हमारे यहाँ कोई भी समय ऐसा निर्धारित नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर इतने करोड़ ग्राहक है या फिर लाखों ग्राहक है, उसमें से अगर ये 5,000 या फिर 10,000 या फिर 100 लोगों को ही इस तरह से चूना लगा दे तो समझ जाओ कि क्या होने वाला है। हालांकि रिलायंस जियो का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब आप घटिया कह सकती हैं। जो आप कंप्लेन दर्ज कराओगे 198 पर, किसी किसी को तो पता भी नहीं रहता है, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग मैंने आपको पेश किया था जब जियो मार्ट का महा कैशबैक ऑफर स्टार्ट हुआ था, उस समय का कॉल रिकॉर्डिंग मैंने पेश किया था, उनको ये तक पता नहीं रहता कि भाई ऑफर क्या चल रहा है, ठीक है, और मतलब बाकी जानकारी तो आप छोड़ ही दो। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैंने आपको इन्फॉर्म करा दिया है कि देखो भाई रिलायंस जियो यही करता है, और इससे पहले मतलब कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ, इस प्रकार की कोई भी कंप्लेन सुनने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको ये सूचित करा दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि वहाँ पर कंपनी आपसे पहले ही पैसे ले लेती है, ऐसा तो नहीं कि पहले इस्तेमाल करो फिर पेमेंट करो, क्योंकि ये प्रीपेड सिम है ना, पोस्टपेड में ऐसा होता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर पेमेंट करो, अब उसमें भी जो है पहले मतलब पैसे वो ले लेती है, तो इस प्रकार से जो है दिक्कतें देखने को मिल सकती है। मैंने आपको इन्फॉर्म करा दिया है, इसके लिए आप रिलायंस जियो को कॉल कर लीजिए, अच्छा होगा कि आप ट्वीट कर लीजिए, ठीक है ना, आप लोग ट्वीट करें अगर इस तरह की दिक्कतें हुई है तो, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और आप लोग ट्वीट करते हैं तो हमें जरूर सूचित करिएगा टेलीग्राम पर, ताकि मैं भी और लोगों से रीट्वीट करवाऊँ, ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम जल्दी जल्दी में सॉल्व हो सके। इस पर आके क्या होता है टेलीग्राम पर मैं अपडेट देता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया ही होगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि नया नया इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जानकारी भी हम आप लोगों को देते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये सारी चीजें जानने को मिलेगी। तो मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।